ये टेंट लेने आए हैं हम। कितना बड़ा लोगे? और क्या भाई, 3-4 बंदे तो आने चाहिए उसमें। भाई कैंपिंग की जगह स्केटिंग करने लग गया। वाह भाई, स्केट के साथ स्कूटर कौन चलाता है भाई? ये देखो भाई, शांश हुला हूप करने लग गया। खतरनाक हुला हूप आ गया इसे। ये तो बढ़िया है भाई, बारिश में मस्त काम आ सकता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ ब्यूरी श्याम। गाइज जैसा कि आपको पता भाई, अभी चल रहा रेनी सीजन, तो भाई रेनी सीजन में कैंपिंग करने का ना नेक्स्ट लेवल मजा है। और आपको पता है, हम भाई कैंपिंग करते रहते हैं, कभी पहाड़ पे जाते रहते हैं, मैगी बनाते रहते हैं। तो भाई शांश आ गया ट्यूशन से। आज भाई शांश कह रहा था कैंपिंग वाला टेंट लेके आते हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं ना, जब भी बारिश हो जाती है गाइज, कैंपिंग वाला टेंट ना मस्त होता है भाई, कितनी भी बारिश हो आराम से रह सकते हैं उसमें। गाइस सबसे मस्त कैंपिंग टेंट ना डीकैथलॉन में मिलते हैं भाई, वहाँ से एक मस्त सा टेंट लेके आएंगे जिसमें 2-3 बंदे आराम से रह सके, और भाई वो थार की छत पे भी लग जाए। थार की छत पर सोएंगे। चलो तो गाइस आज हम जाने वाले थार में भाई। गाइस ऐसा टेंट लेके आएंगे जो थार की छत पे ना आराम से लग जाए। चढ़ के देखता हूं, जिसके ऊपर तो कोई से भी टेंट लग जाएगा। भाई अभी टेंट तो आ जाने दे, पहले ही चेक कर रहा है। चलो तो गाइस अभी जल्दी चलते डीकैथलॉन और भाई मस्त कैंपिंग का टेंट लेके आते हैं। उसके बाद जिस भी दिन बारिश आएगी ना, मस्त कैंपिंग कर देंगे भाई। नहीं, संडे को चलेंगे भाई, संडे को बारिश भी तो आनी चाहिए। डर क्या हो गया, बारिश आया ना, हमें तो कैंपिंग करनी है। गाइस शांश को पता नहीं है, इतनी गर्मी में ना टेंट में गर्मी में मर जाएगा। 24 आवर इन जंगल चैलेंज करेंगे। हाँ ठीक है, चलो तो गाइस चलते हैं। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ, ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਆ, ਡੱਬੀ ਹਥਿਆਰ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਨੱਕ ਜੜੇ ਆ। ਤੋ ਗਾਈਜ਼ ਅਭੀ ਆ ਗਏ ਡੀਕੈਥਲੋਨ, ਅਭੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈਂ ਆਪਕੋ ਮਸਤ ਮਸਤ ਕੈਂਪਿੰਗ ਟੈਂਟ। ਭਾਈ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਂ ਸਕੇਟ ਚਲਾਣੇ ਆਤੇ ਹੈਂ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਆਇਆ ਕੈਂਪਿੰਗ ਟੈਂਟ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਕੇਟ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੇ ਤੋ ਬੜੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਫਿਟਿੰਗ ਬੜੀਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਕੇਟ ਕੇ ਸਾਥ ਸਕੂਟਰ ਕੌਣ ਚਲਾਤਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਲੋਗ ਰਹਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਨੇ ਕੇ ਕਾਮ ਆਏਗਾ। भाई इसको रख दे, अब कैंपिंग टेंट देख ले। नहीं भाई शायद ना डीकैथलॉन के पूरे मजे लेके जाता है। गाइस वैसे देखो यहाँ पे कितने सारे स्केट है भाई। ओल्ड टाइम पे ना ऐसे स्केट आते थे 4 पहिए वाले, आजकल सारे बच्चे वाले करते हैं, क्योंकि इससे ना आइस स्केटिंग आसान हो जाती है। सिंगल व्हील होता है ना इसमें, आइस स्केटिंग बिल्कुल ईजी हो जाती है। अगर तू डबल वाले स्केट सीखता ना, फिर आइस स्केटिंग नहीं कर सकता था। भाई शायद आज कैंपिंग टेंट नहीं खरीदने देगा भाई। ये देखो चश्मे पहन के कहाँ घूम रहा है भाई। 2-4 चीजें और पहन ले साइकिल पे, अभी कमी रहेगी। हैंड वाले भी पहन ले, घुटनों वाले भी पहन ले, ग्लव्स भी पहन लेता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पे कितने कलरफुल रिंग मिल रहे हैं, इनसे क्या करते हैं भाई? भाई ये तो अजीब ही चीज है भाई, पहली बार देखी है मैंने। तो गाइस अभी कैंपिंग वाले सेक्शन में आ गए हैं, अभी देखते हैं भाई मस्त टेंट। बाकी गाइस हमें कुछ कुर्सी भी लेनी थी, ये वाली कुर्सी ना मस्त होती है भाई, कहीं भी फोल्ड करके ले जाओ इसे। भाई मुझे सबसे मस्त ये लग रही है, 1100 रुपए की, इस पे बैठ के देखते हैं। ये देखो भाई मैं और शांश बैठ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, हमारा वेट ले लिया इन्होंने। बाकी गाइस सबसे मस्त चीज तो ये टेंट है, ये टेंट लेने आए हैं हम। और क्या भाई, 3-4 बंदे तो आने चाहिए उसमें। ये देखो गाइस हमें क्या मिला, ये देखो इसमें कंपास भी है, और इधर टेम्परेचर भी बताती है, और सीटी भी है भाई। मस्त की चेन है, कुछ भी कहो। ये चाहिए, इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। तो गाइस अभी फाइनली हमने टेंट ले लिया है, ये वाला है टेंट। हाँ बिल्कुल सेम ऐसा ही है भाई, खोल के देखूंगा। अभी मत देख, घर देखेंगे भाई। गाइस वैसे टेंट ना बहुत महंगे महंगे भी आते हैं। ये देखो भाई 1.5 लाख रुपए का टेंट। अबे 1.5 लाख का कौन टेंट लेता भाई? भाई हमने लिया सबसे सस्ते वाला टेंट, 2500 वाला। इसके साथ कुछ मिलता भी है? अबे भाई 2500 रुपए में लूटेगा क्या? 2500 रुपए में डीकैथलॉन को खरीदना चाहता है, वाह। इसके साथ गद्दा भी तो ले लो। अबे गद्दा नहीं होता, गद्दा होता है। भाई इसके अंदर ना योगा मैट बिछाने होते हैं, योगा मैट लेंगे खिलौने वाली दुकान से। गाइस वैसे शांश को ना एक ट्रेवल कैब भी दिलवानी थी मुझे। मैं तो गई मेरे पे सिरिस्का वाली। हाँ गाइस मैं तो भूल गया था, शांश सिरिस्का से कैब लेके आया था भाई, मस्त वाली। ये देखो भाई कैब पहन के कितना खतरनाक रेंजर लग रहा है। ये देखो भाई शांश हुला हूप करने लग गया, खतरनाक हुला हूप आ गया इसे। स्कूल में सिखाते हैं क्या? मुझे सिखाते हैं भाई। अब शांश मस्त सर्कस में जा सकता है भाई। यहाँ पे देखो कितनी सारी गोल्फ बॉल्स है। गोल्फ की डंडी ले लो भाई। डंडी नहीं मिलती यहाँ पे, बॉल मिलती है बस, 50 रुपए की एक बॉल। ये देखो यहाँ पे तो मस्त मस्त स्विमिंग के बैलून भी मिल रहे हैं। लोगे भाई तेरे पास है तो सही, क्या करेगा इसका? तो भाई हमने लिया टेंट,
और एक कैप। तो गाइस अभी मस्त टेंट ले लिया है, अभी जल्दी से चलते हैं घर और इसे लगा के देखते हैं। भाई हमें तो लगाना भी नहीं आता ये। मुझे आता है गाइस, शायद तो YouTube की वीडियो देख देख के ना सब कुछ सीखा हुआ भाई। आप मना करते हैं जब भी देखता हूँ। चलो तो गाइस अभी जल्दी से चलते हैं घर और इस टेंट को असेंबल करके देखते हैं, क्योंकि भाई उसके बाद ना सीधा कैंपिंग में यूज करेंगे इसे, बाकी मजा आने वाला है। इसमें बारिश वारिश ना कुछ नहीं आती। अभी तो गद्दा भी लेना है भाई। 2500 रुपए का तो टेंट ले लिया, अब शायद और खर्चा करवाया गद्दे पे। लेना तो पड़ेगा जब कांटे चुभेंगे ना, जब पता चलेगा। वैसे गाइस साइंस की बात तो सही है भाई, पहाड़ पे ना कांटे बहुत होते हैं, इसलिए भाई एक सिंपल सा गद्दा लेना पड़ेगा हमें। आज रात को इसी में ही सोऊंगा। कहाँ लगाएगा इसे? बेड के ऊपर। गाइस साइंस की ना बच्चे वाली आदत है, जब हम छोटे थे ना मच्छरदानी लगा के ना घर बना लेते थे हम उसका। मैं भी बना लेता हूँ। चलो तो भाई अभी जल्दी चलते घर और दिखाते भाई साइंस की हरकते। तेनू जो लगता मैं ओ नहीं, रेंदे अक्थे रेंदे लोकी, माती शाला गट्टी लो नहीं। तो गाइस अभी टेंट लेके आ गए घर। बहुत भारी है टेंट। ये देखो आते ही इनकी लड़ाई होगी टेंट के पीछे। गाइस आज मैं इसमें सोऊंगा रात को। मैं सोऊंगा। भाई ये क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो यार। पहले बना तो ले इसे। चलो अब हम वॉशिंग करते हैं। भाई इसमें कील भी है, उन कीलों को मत निकाल लियो। ये देखो गाइस ये हमारा टेंट। आपको लग रहा है ये थैली है, वैसे सबसे बड़े टेंट है। इसी बात के तो पैसे हैं। बाकी गाइस इसे जोड़ना भी ना एक आर्ट है भाई। भाई इसे जैसे खोला ऐसे बंद करना भी सीख लेना साथ के साथ, कभी ऐसे ही खुला रह जाए। पता लगे हमने खोल तो दिया, हमें बंद करना नहीं आ रहा। इतना ज्यादा बड़ा है, कमरे में कहाँ लगाएंगे इसे? भाई बेड के ऊपर ही लगा देते हैं। गाइस मुझे तो लग रहा है उन्होंने गलती से हमें बड़ा वाला टेंट दे दिया। अब इसको लगा के देखते हैं कि बड़ा है या छोटा है। ये देखो भाई इसकी कितनी बड़ी डंडी है भाई, इसे मोड़ के टेंट को उठाना पड़ेगा भाई। भाई कुछ हद तक तो इंस्टॉल कर दिया हमने, अभी एक डंडी और लगानी है। वैसे इजी टू इंस्टॉल है भाई ये, कोई दिक्कत नहीं है इसे इंस्टॉल करने में। तो भाई अभी फाइनली हमारा खतरनाक टेंट लग चुका है भाई। टेंट कम मच्छरदानी ज्यादा लग रही है। इतना बड़ा टेंट भाई, इसमें तो 3 बंदे आराम से सो सकते हैं। हमारी गैंग तो साथ में सोई जाएगी। गाइस अभी इस टेंट के ऊपर ना वाटर प्रूफिंग भी कर सकते हैं, मगर भाई इसका फायदा ना बारिश में है या सर्दी में है। अभी तो गर्मी हो रही है, इसलिए इस टेंट के अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई कितनी जगह है इसमें। चलो। ओ भाई शायद तो पहले ही घुस गया। तो गाइस अभी इसमें गद्दा बिछाते हैं और अपना छोटा सा घर बनाते हैं भाई, जैसे बचपन में चद्दर बिछा कर खेलते थे। ये देखो भाई टेंट के ऊपर वाटर प्रूफिंग भी लगा दी, मगर भाई वाटर प्रूफिंग से ना अजीब लग रहा, व्हाइट टेंट बढ़िया लग रहा था। टेस्ट करके देखते हैं, अभी पानी डालता हूं। भाई टेस्ट करके देख रहे हैं पानी डालने से क्या होगा। भाई टिक ही नहीं रहा पानी तो, मलाई की तरह जा रहा है नीचे। ये तो बढ़िया है भाई, बारिश में मस्त काम आ सकता है। मैं जा रहा हूं सोने, बाय बाय। चलो तो गाइस अभी इसकी वाटर प्रूफिंग हटाते हैं। तो भाई हन्नी देखो इतना बड़ा घुस रहा है इस टेंट में। लेट तो पा रहा हूँ मैं भाई। शांस और हन्नी देखो दोनों लेट गए, कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई पूरे टेंट में। गाइस वैसे ये टेंट ना सर्दी में ही कामयाब है, तो जिस दिन बारिश होगी ना उस दिन लगाएंगे इस टेंट को। पहाड़ पे ले चलेंगे, वहीं रात को मैगी बनाएंगे। चलो भाई अभी मैं भी अंदर चलता हूँ और देखता हूँ इसमें टोटल स्पेसिंग कितनी है। ये देखो गाइस हम तीनों लेट गए हैं और भाई परफेक्ट आ गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर भाई विशाल के लिए तो जगह ही नहीं है, उसको बाहर ही सुला देंगे। विशाल को बाहर छोड़ देंगे, शेरों को बोल देंगे खा जाओ उसे। गाइस वैसे सर्दी में सोने के लिए बहुत ही मस्त है भाई, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी इसमें। मैं तो कह रहा हूँ संडे को सुबह इसको लेके चलते हैं पहाड़ पे, थार की छत पे लगा देंगे इसे। शायद अभी अपनी साइकिल की लाइट ले आया, उसे लगा रहे भाई इसमें। ये देखो टेंट में मस्त लाइट लगा दी। इसमें अलार्म भी है, कोई शेर चीता है। रात को पार्टी करेंगे, पार्टी पार्टी पार्टी। गाइस इसमें तो रियल में बहुत मजा आ रही है, मगर ठंड में और भी मजा आएगा। ठंड में ना जंगल में कैंपिंग करेंगे एक दिन, 24 घंटे रहेंगे भाई जंगल के अंदर टेंट के अंदर। गाइस अभी मैं इस पे सोने वाला हूँ, एक आइडिया, मैं इसको बनाता हूँ अपना टॉय रूम। गाइस मेरे पास इतने सारे टॉयज हैं, मैं टॉय में अंदर आ चुका हूँ। आप इसका कमेंट में नाम बताना। गाइस ये देखो साइज के पिटारे में से क्या निकला। भाई ये ब्यूटी पार्लर भी जाता है, इसका तो सीक्रेट रिवील हो गया तभी इतना गोरा है। मैं तो बस आईब्रो बनवा के आया था। ये देखो गाइस मेरा आईफोन 100 प्रो मैक्स, आपने तो कभी देखा नहीं आएगा हैं? ये तो कीबोर्ड वाला है और चूना लगा दिया। भाई साइंस को तो अपनी स्किन की बहुत चिंता होने लगी भाई, क्रीम भी लग रहा है लड़कियों वाली। तो गाइस अभी मस्त टेंट में खेल लिए, अभी इस टेंट को हटा देते हैं। अभी मत बंद करो, क्यों हटा रहे हो, इसी में सो जाओ। भाई इसमें गर्मी लगेगी यार। इसमें भुट्टा बन जाएगा। तो गाइस अभी टेंट मस्त पैक कर दिया है, अब कहीं होटल ढूंढने की जरूरत ही नहीं, इसी को ही लेके चलो। भाई हवा टाइट हो जाएगी, डर लगेगा, भूत वूत आ सकता है भाई। भाई भूत तो बाद में आएगा, पहले भालू ना आ जाए। सुनता सुनता फिर मरना पड़ेगा, मरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो गाइस टेंट में फन करके तो भाई मस्ती मजा आ गया। होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेंट में कैंपिंग करके ना
फॉर वॉचिंग। बाय।